खबर रानीखेत से, जहां पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण समाप्त होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि सरकार कोरोना वायरस की आड़ में आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। सभा के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। उप जिलाधिकारी के साथ भी आंदोलनकारियों ने वार्ता की। भाजपा नेता अजय पांडे ने भी कर्मचारियों की मांग को जायज ठहराते हुए पूरा करने की मांग की है। रानीखेत से यूके लाइव के लिए संजय जोशी की रिपोर्ट। तो आंदोलन चलाया हमारा भी स्पष्ट रूप से मानना है कि जब तक प्रदर्शन मार्च समाप्त नहीं हो जाएगा, किसी भी सूत्र आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है। माननीय जिला अधिकारी की सरकार को स्पष्ट रूप से चेता देना चाहते हैं कि हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन कर रहे हैं और चाहे 6 महीने भी हड़ताल पर जाएगी, किसी भी सूत्र हम प्रदर्शन मार्च समाप्त करके रहेंगे और अपने प्राप्त करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार नहीं माना है प्रमुख को, तो राज्य सरकार द्वारा क्या परेशानी है? आंदोलन का आदेश करते और सीधे प्रमुख जारी करते और धीरे धीरे अगर नहीं करेंगे पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन चलाएंगे, जिसमें आम जनमानस 80% जो आबादी है उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। सरकार के नारेबाजी और जो धरना पूरी जाती है वो सब हम दायित्व निभाएंगे। क्या इसके बाद सभी कर्मचारियों को, सभी वर्गों को आप साथ लेके चल रहे हैं स्ट्राइक पर? सभी वर्गों को, सभी कर्मचारियों को अपने साथ लेके चलना? हमारे मानना है कि हमारे साथ 80% जनरल ओबीसी कर्मचारी है, चाहे वो किसी जाति से मतलब नहीं, हमारे एसटीसी को छोड़ के जो भी हमारे कर्मचारी पूरे हमारे साथ। साइज मांग है और मुझे लगता है एक माँ के अगर 2 बेटे हैं, एक अंधा है और एक शरीर से पुष्ट है, दोनों को एक साथ दौड़ाती है माँ, तो कहीं भी कोई भी माँ की इच्छा नहीं होगी अंधा बेटा अच्छे बेटे से आगे हो। यही आरक्षण है। अगर अंधे बेटे को आगे करके माँ सोचती है कि ठीक हो रहा है, ये बहुत गलत है। और अगर हमारे देश को भी आगे बढ़ाना है, अगर भारत को भी भारत जैसा बनना है, तो फिर आरक्षण को हटना चाहिए और आरक्षण को हटने के बाद ही ये संभव हो सकता है।